नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं उसी कुमार तिवारी। सबसे पहले अच्छाई की जीत का दिन है आज, विजयादशमी, यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार आज हमारे देश हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है, विजयादशमी। आज के दिन भगवान राम ने बुराई के प्रतीक रावण का वध किया था और आज ये त्यौहार मनाया जा रहा है। मैं आज आपको लाडनू लेकर आया हूँ, जहाँ का प्रसिद्ध दशहरा मेला आज आपको दिखाने वाला हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं, ये प्रवेश द्वार है, ये लंका का प्रवेश द्वार है और इस लंका में रावण रहता है, जिसका आज वध होने वाला है। यानी आज रावण का पुतला जलाया जाएगा, बुराई को जलाया जाएगा। और एक सुंदर त्यौहार है, 9 दिन की नवरात्रा पूजा के बाद में आज दशहरा का त्यौहार हम मना रहे हैं और बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर होगा। अभी कुछ ही देर के बाद में झांकियाँ पहुँचेगी, भगवान राम पूरे अपने लवाजमे के साथ पहुँचेंगे, हनुमान जी के साथ पहुँचेंगे और यहाँ लंका जलेगी, रावण का पुतला जलेगा, शानदार आतिशबाजी की जाएगी। आइए लाडनू से खूबसूरत दशहरे के कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। आप देख रहे हैं लंका का प्रवेश द्वार है और बीच से आप देख रहे हैं रावण झांक रहा है। ये विशाल रावण का पुतला है जो कुछ ही देर के बाद धू धू करके जलेगा। और ये लंका के प्रवेश द्वार और ये आप देख रहे हैं प्रहरी खड़ा है हथियार लिए द्वार पर, ताकि कोई अच्छा इंसान अंदर नहीं जा सके, क्योंकि लंका में अच्छे लोग नहीं रहते थे। और इस प्रवेश द्वार से ये आप विशाल रावण का पुतला देख रहे हैं। पीछे रावण का पुतला आप देख रहे हैं। रावण का पुतला जलाना बहुत आसान है, कुछ सेकंड में ये पुतला जल जाता है, लेकिन बनाना सबसे मुश्किल है और उससे मुश्किल काम है इसको खड़ा करना, क्योंकि इसको खड़ा किया जाता है उस समय अनेक बार ये टूट जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और वैसे भी आप जानते हैं कि बुराई है उसको बनने में कोई देर नहीं लगती है, लेकिन बुराई को ख़त्म करने में समय लगता है, इसलिए इसको बनाकर इसको खड़ा करने में वक्त लगता है, उसके बाद में इसको जला दिया जाता है। और ये खड़ा किया जाता है पीछे सपोर्ट लगाकर, और आप सब जानते हैं कि बुराई सपोर्ट से ही खड़ी होती है, पीछे से सपोर्ट मिलता है तो बुराई को ताकत मिलती है। और यहाँ पर भी पीछे ये लोग के सपोर्ट लगा कर इस पुतले को खड़ा कर दिया गया है, लेकिन कुछ ही देर के बाद में भगवान राम आएंगे अपने शाही लवाजमे के साथ और रावण के पुतले का दहन करेंगे। यानी आज बुराई जलेगी, अच्छाई की जीत होगी, और इसीलिए ये विजयदशमी का त्यौहार यानी दशहरा का त्यौहार मनाया जाता है। मैं आपको करंट बालाजी मंदिर लाडनू का दृश्य दिखा रहा हूँ। इस मैदान में कुछ ही देर के बाद में जोरदार मेला होने वाला है और रावण के पुतले का वध और दहन आप देखेंगे। श्री दशहरा मेला समिति के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। ये देखिए विशाल पुतला रावण का। लाडनू के करंट बालाजी मैदान में ये दशहरा मेला आयोजित होता है। रावण का विशाल पुतला आप देख सकते हैं। मैं आपको उस व्यक्ति से मिलता हूं जो इस पुतले को बनाते हैं, मंगतुद्दीन जी मेरे साथ हैं, जो कि लाडनू में पुतला बनाकर सप्लाई उन्होंने किया है। यह है हालांकि सुजानगढ़ के, लेकिन लाडनू का जो रावण का पुतला है वो आप ही बनाते हैं। मैं उनसे बातचीत करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, कितने वर्षों से आप रावण के पुतले बनाने? 50 साल से। ताजिया है, रावण है, डेकोरेशन का काम है, सब 50 साल से मैं काम कर रहा हूँ। अधिक से अधिक कितना लंबा पुतला आपने अब तक बनाया है? अधिक से अधिक 65 फुट का बनाया है सुजानगढ़ में, आज के 25-30 साल पहले। और ये जो पुतला पीछे खड़ा है आपने, कितना? 35 फुट का है ये। इसका मतलब इस बार बहुत बड़ा पुतला नहीं बनाया गया? नहीं, खड़े करने के साधन नहीं है, इसलिए नहीं बनाया जाता ऊपर। यानी जैसे मैंने अभी यहाँ पर कहा था कि सबसे मुश्किल काम इसको खड़ा करना, क्या सही है? ये मेरे वाली बात कही आपने, जो सुनते ही बोल दिया। मेरे को बनाना आसान है, इसको खड़ा करना ना, यहाँ आ जाता सांस मेरा खड़े करते टाइम सिर्फ, बस। क्योंकि पूरी मेहनत खराब हो जाती है टूटने पर। पूछो मत, मेरी जान यहाँ रहती है जब तक ये खड़ा नहीं होना, जब तक। हाँ, मैं बोलते ही मैं समझ गया, मेरे वाले आप तिवारी जी बोलते हैं बात ये कि बनाना आसान है, खड़ा करना बहुत मुश्किल है इसको। लेकिन सर एक बात तो कहनी पड़ेगी, बुराई आजकल खड़ी बहुत जल्दी होती है, लेकिन ये क्या बात कही आपने, क्या बात कही तिवारी जी। को खड़ा करना मुश्किल है, बुराई को आसान है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने, बिल्कुल सही है, बहुत बात सही कही आपने। ये तो सर कितने दिन लगते हैं इस पुतले को बनाने में? आप मैंने को 20 दिन लगा बनाने में। क्या क्या चीज़ों का यूज किया जाता है? बांस, पहला नंबर बांस, दूसरा नंबर पेपर, अखबार पेपर, तीसरा नंबर डोरा धागा दीवार वगैरह, चौथा नंबर जो ये प्लास्टिक के पेपर नज़र आ रहे हैं, चिलकनी जो है ये यूज किया जाता है। कितने दिन लगते हैं उस पुतले में? मैंने अभी इसमें 20 दिन लगाए हैं। 20 दिन लगाए जी।
अच्छा आपके परिवार में और कोई सहयोग करता है या अकेले आप करते हैं? ये मेरे पोता पोती है, ये मेरे साथ में लगे रहते हैं बस। ये मेरे पोता पोती है, ये साथ में लगे रहते सिर्फ, और कोई सहयोग नहीं है मेरा। मैं आप ये डेकोरेशन का आप जैसे कह रहे हैं ताजिया है नैन है, तो ये तो कभी कभार होता है, उसके अलावा आजीविका का साधन क्या आपका कमाई का? बच्चे कर रहे हैं मेरे अब तो। तो इस परंपरा को लगातार जारी रखना चाहेंगे, आगे कौन करेगा? आप किसी को सिखा रहे हैं काम? कोई नहीं सीख रहा मेरे से, ना मेरे बेटे सीखे, ये पोते हैं छोटे छोटे से, ये सीख रहे हैं बस। ये भी इनको बताऊँ ना तो मेरे भाई कुछ बैठे बैठे बताऊँ ना तो ये बना अटिन आ जा। एक बात बताइए, मेहनत करके आप इसको बनाते हैं, जब ये जलता है उसमें आपको कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि पूछो मत के घर से कोई इंसान जा रहा है, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं, इतना खर्चा करते हैं, ये लोग लाखों रुपए खर्चा करते हैं। मैं अपनी जी जान से इसके ऊपर मेहनत करता हूँ, उसके बाद में दो मिनट नहीं लगता बल्कि राख हो जाता है। सुने आपने, आपने सुना कि बनाने में 20 दिन लगते हैं और जलाने में दो मिनट नहीं, मेहनत कर रहा हूँ एक मिनट भी नहीं लगता है, धड़ाधड़ धमाके की आवाज़ होती है, दूध दूके कर ये जल जाता है, लेकिन ये चूंकि बुराई का प्रतीक है इसलिए इसको जलाया जाता है, और अच्छाई की जीत के अवसर पर, बुराई पर अच्छाई की जीत है, इस अवसर पर ये विजयादशमी यानी दशहरे का त्यौहार मनाया जाता है। और ये पुतला बनाने वाले जिन्होंने अभी पूरी जानकारी आपको दी है कि कितने वर्षों, 50 वर्षों से रावण के पुतले बनाना, ताजिया बनाना, डेकोरेशन का कार्य करते हैं, और लाड और सुजानगढ़ के रावण के पुतले आप ही बनाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, मंगतुद्दीन जी के पोते हैं, जो इस समय आतिशबाजी सजा रहे हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं फुहारे लगाए जा रहे हैं आतिशबाजी, क्योंकि ये जलेंगे तो आतिशबाजी से जलेंगे, आतिशबाजी की तैयारी हो रही है, जोरदार आतिशबाजी होगी रावण के पुतले के दहन से पहले, और इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लाडनों का दृश्य आप देख रहे हैं, देखिए पूरी गाड़ी भरकर आतिशबाजी आई है, और जोरदार आतिशबाजी होगी रावण के पुतले के दहन से पहले, उसकी तैयारियां इस समय चल रही है। लाडनों का नज़ारा आप देख रहे हैं, कुछ ही देर के बाद रावण दहन होने वाला है, इस समय तैयारियां चल रही है। ये रावण के पैर आप देख रहे हैं बहुत बड़े हैं, 100 नंबर का जूता आता होगा रावण को, और ये आप देख रहे हैं चमकीले पेपर, बांस की लकड़ियों और अखबारों का इस्तेमाल इसमें किया गया है। ये देखिए आतिशबाजी सजा दी गई है, रावण दहन का ये कार्यक्रम दशहरा मेला समिति लाडनू द्वारा आयोजित किया जाता है। पूरे मेला ग्राउंड का आप दृश्य देख रहे हैं, कितनी साफ सफाई है यहाँ पर, कितनी स्वच्छता आप देख रहे हैं। आदरणीय पटेल साहब, करंट बालाजी मंदिर के सामने जो मैदान है वहाँ पर ये दशहरा मेला आयोजित हो रहा है, बहुत साफ सुथरा यहाँ पर एकदम वातावरण आप देख रहे हैं। किसी भी नगर में अगर कोई मेला आयोजित होता है तो सबसे बड़ी चीज़ वहाँ पर ये देखने को जाती है कि यहाँ पर साफ सफाई किस तरह की है, व्यवस्थाएं किस तरह की है, और नगर पालिका लाडनू ने स्वच्छता भारत, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत भी बहुत कीर्तिमान बनाए हैं। इसमें लाडनू नगर पालिका अध्यक्ष सुनीता जी पारिक हमारे साथ हैं, मैं देख रहा हूँ इस पूरे मेला ग्राउंड में कहीं भी कोई कचरा नजर नहीं आ रहा है, इतना साफ सुथरा वातावरण है कि जो लोग यहाँ पर रावण दहन का कार्यक्रम देखने के लिए आए हैं उनका भी मन प्रसन्न नजर आ रहा है। आइए बातचीत करते हैं नगर पालिका अध्यक्ष पारिक जी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा क्योंकि लगातार स्वच्छ भारत अभियान में नगर पालिका लाडू अव्वल नजर आ रहा है, तो किस तरह के प्रयास किए जाते हैं? सबसे पहले तो देखो मैं भी आपको दशहरा पर बधाई देना चाहती हूँ कि सबसे पहला काम ये था कि हमारे नगर पालिका से दशहरा मेला के वो जो ग्राउंड की सफाई करना, तो मैं सबसे पहले तो उसकी सफाई करवाती हूँ, और यहाँ पे मैं मेले में यहाँ कई तरह की भीड़ बढ़ा के और आसपास के जो लोग हैं वो आते हैं, हज़ारों की संख्या में यहाँ पे इकट्ठा होते हैं लोग, और बहुत बड़ी धूमधाम से ये मेला बढ़ता है। सुनीता जी, देखने में आया था कि पीछे जो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जो रैंडिंग निकाली गई थी उसमें नागौर जिले में लाडनू अव्वल रहा था, तो उसमें किस तरह के प्लानिंग से कार्य किया गया था? यहाँ पे जो आसपास के जो मेले बढ़ते हैं इसमें सबसे बड़ा मेला जो एक तो दशहरा मेला होता है, गणगौरादि मेला है, ये हमारी लाडनू में हमारे जिले में सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा मेला बढ़ता है यहाँ पे, जो हमारे लाडनू में आसपास में यहाँ पे कोई मेला नहीं है जो दशहरा मेला और गणगौर मेला जैसा भी होता है। एक महत्वपूर्ण बात वर्तमान में जो सरकार की एक विशेष योजना है कि जो प्लास्टिक है उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए, पर्यावरण बचाया जा सके, उसके लिए आप किस तरह के प्रयास कर रही हैं?
मैंने कई प्रयास किए यहाँ पे लाडनू को पॉलीथीन मुक्त, और मैंने यहाँ पे अवार्ड भी लेके आई थी वसुंधरा, मुख्यमंत्री जो वसुंधरा जी है यहाँ पे उदयपुर में, और मैंने कई प्रयास किए यहाँ पे स्कूलों में जाके बच्चों को प्रेरित किया, और हर प्रकार के जो मैंने गाड़ियाँ लगाई है कचरा पात्र के लिए, और घर घर जाके कचरा संग्रहण करने के लिए कि एक कोई भी पॉलीथ हमारा शहर लाडनू पॉलीथीन मुक्त और साफ और सुंदर और मोदी जी का सपना साकार हो। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए, आपको बहुत बहुत बधाई है दशहरा और आगे दिवाली का त्यौहार। धन्यवाद। लाडनू नगर पालिका अध्यक्ष सुनीता जी पारिक से बातचीत की। जैसा कह रहे हैं कि हम खास महिलाओं पर ध्यान रखते हैं, क्योंकि हजारों लोग जहाँ पर इकट्ठे होते हैं वहाँ पर ये चीज़ लोग देखते हैं कि किस तरह की व्यवस्था, किस तरह की सफाई है। और लाडनू में हम गणगौर और दशहरा के दोनों मेले कवर करते हैं, और उसमें जो सफाई व्यवस्था होती है वो दर्शनीय होती है। और निश्चित रूप से आज दशहरा के इस मेले में भी बहुत बड़ा मैदान है करण बालाजी के सामने का, वो बिल्कुल साफ सुथरा नज़र आ रहा है। सभी इंतजार कर रहे हैं रावण के पुतले के दहन का। आज मैं नगर के तमाम महानुभाव से अपील करूंगा कि आज वही परिचय आप लोग दें जो पिछले 43 वर्षों से आपका सहयोग रहा है, वही 44वें वर्ष में भी। कुछ देर में बहुत खूबसूरत आतिशबाजी यहां पर होगी, इस मेले का कहीं ना कहीं अवलोकन कर देगी। करंट बालाजी मंदिर क्षेत्र में दशहरा मेला ग्राउंड में हो रहा है, महिलाएं और बच्चों का इंतजार है लोगों को, मेला मैदान की ओर दौड़े चले आ रहे हैं। ये इस समिति के प्रति विश्वास है, लगातार धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है, कार्यक्रम होता है, अधिकांश हमारे महिलाओं और बच्चों की संख्या ज्यादा रहती है। तो मैं आप सबसे ये अनुरोध करूंगा कि आप लोग हमारी व्यवस्थाओं का सम्मान करें, और कार्यकर्ता आपको जो निर्देशित करें आप कृपया उनका पालन करें। किसी भी रूप में आप ये न समझें कि आपको टोका गया है, आप नगर के आपको रोकना, आपको किसी भी प्रकार का सम्मान करना इस नगर के हर एक व्यक्ति के लिए अवलोकन किया है। वीरेंद्र भाटी मंगल कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, वो भी आप लोगों के बीच में हो सकते हैं। तो अपनी ओर से किस तरह लगातार पहुंच रहे हैं कार्यक्रम में, बुराई थी आप लोग व्यवस्थाओं में संचालित करें। और लाडनू के दशहरा मेला ग्राउंड का दृश्य आपको दिखा रहे हैं करंट बालाजी मंदिर के सामने, और समय 6:30 बज चुके हैं। ग्राउंड के पुतले का दहन लगभग 7 बजे के करीब होगा, क्योंकि जब तक पूरा अंधेरा नहीं हो जाएगा तब तक ग्राउंड दहन के पुतले का मजा भी नहीं आता है। उससे पहले जोरदार आतिशबाजी भी होने वाली है, और बहुत बड़ी आतिशबाजी यहाँ पर लगाई गई। खंडेला के जो शेरगार हैं वो यहाँ पर आतिशबाजी करने के लिए बुलाए गए हैं, और पूरे क्षेत्र में आतिशबाजी सजा दी गई है। और उसके बाद में आप देखेंगे लंका का एक द्वार बनाया गया है, वो जलेगा। और लंका का द्वार आप सबको पता है किसने ढाया था, हनुमान जी महाराज ने और अंगद ने ढाया था, और उसके बाद में रावण को जलाया था, रावण को मारा था भगवान राम ने। और बहुत सुंदर आज का ये कार्यक्रम आप लाडनू से देखेंगे, जब बुराई जलेगी अच्छाई की जीत होगी। मेला समिति के अध्यक्ष और पदाधिकारीगण, हमारे एसएन के लाडनू ऑपरेटर भुर्जी भी आप देख रहे हैं, केवल हमारी आत्मा दे सकती है। अक्सर हम देखते हैं इस समय आप दो राउंड देख रहे हैं, एक राउंड मेरे बगल में खड़ा है, एक राउंड पीछे खड़ा है। दोनों राउंड में फर्क इतना है कि पिछले जो राउंड देख रहे हैं उसको जलाया जाएगा, लेकिन इस राउंड को नहीं जलाया जा सकता है, क्योंकि ये इंसान है और राउंड बनकर यहाँ पर आए हैं। बातचीत करते हैं क्योंकि बहुत शानदार अंदाज है, ऐसा लग रहा है जो रियल में रावण यहाँ पर आकर खड़े हो गए हैं। क्या नाम आपका? जितेंद्र भोजक। आपका नाम तो रावण है। बिल्कुल। ये गेटअप हर दशहरा पे बनाते हैं, आज ही बनाया? नहीं, रामलीला में करता हूँ मैं रोल, रामलीला में, और आज पहली बार दशहरा। जो गेटअप आपने खुद बनाया या आपने खरीदा है? मेरा फ्रेंड ने। आपके फ्रेंड ने? हाँ। कितना वक्त बना लगा आपको इतना खूबसूरत बनने के लिए? 1 घंटा। बिल्कुल। एक बात बताइए, आप रावण बनते हैं और रावण हमारे देश का सबसे बड़ा खलनायक माना जाता है, तो आपको बुरा नहीं लगता? लेकिन ये जो परंपरा है ये पूरी करनी पड़ती है ना, उसके लिए बनते हैं। और आप जब रामलीला में पाठ करते हैं लोग आपको गालियां निकालते हैं, आपको बुरा कहते हैं, तो आपको वो बुरा नहीं लगता है? बिल्कुल नहीं लगता, बुरा नहीं। और आपके पीछे जो रावण खड़ा है उसको भी जलाया जाएगा, आपको बुरा लगेगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। ये तो बुराई पे जीत होगी, अच्छाई की। आप सुन रहे हैं, बिल्कुल हकीकत में जी रहे हैं, कह रहे हैं कि बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, पीछे जो रावण उसको जलाया जाएगा। ये भी रावण बने हैं, लेकिन ये रामलीला के रावण है जो यहाँ पर लोगों का मनोरंजन करने के लिए पहुंचे हैं। बीच जुलूस पहुंच रहा है, भगवान पहुंच रहे हैं, आप देख रहे हैं भगवान पहुंच चुके हैं, घोड़ी पर सवार हैं राम और लक्ष्मण। लाडनू का दृश्य आप देख रहे हैं, यहाँ पर मौजूद है भगवान श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण जी। इस आतिशबाजी भी शुरू हो चुकी है,
अभी सुंदर नज़र आप देखेंगे। राम और रावण का युद्ध भी होगा यहाँ पर। देखिए रावण की एक अंक में लाल बल्ब जल रहा है, यानी कणा रावण है ये। भगवान पहुँच रहे हैं। कार्यक्रम का आनंद लें। हमारे उदयपुर वाटी के प्रसिद्ध सोल गुरु से मंगाई हुई बारूद आतिशबाजी, बहुत सुंदर आतिशबाजी हो रही है। हमारे आदरणीय डॉक्टर पवन कुमार जी बिश्नोई हमारे बीच में जोरदार आतिशबाजी आप देख रहे हैं। मैं महिला समिति की तरफ से उनका उपखंड प्रशासन और प्रशासन के अधिकारी आदरणीय मुकेश जी चौधरी को बहुत खूबसूरत आतिशबाजी आप देख रहे हैं। हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आभार ज्ञापित करता हूँ। अब आगे की तमाम अतिथिगण मंचास्त हो चुके हैं। जोरदार आतिशबाजी आप देख रहे हैं। सीरियल फायर वर्क लाडनू का दृश्य आप देख रहे हैं। वाह क्या नजारा है, क्या खूबसूरती है। जोरदार आतिशबाजी। बेहद खूबसूरत आतिशबाजी आप देख रहे हैं लाडू दशहरा मैदान से। प्रत्येक रूप से हम लोग ग्रहण करेंगे, कहीं ना कहीं जब बुराई होती है तो जीत अच्छाई की होती है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर चमक रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि ये फोटो केवल आपके कैमरे में ना आए बल्कि आपके दिल में भी आए। और उनके मुख्य अतिथि हमारे विधायक, हमारे युवा नेता पहुंच चुके हैं, विधायक कार्यकर्तागण, हमारे विधायक महोदय प्रत्येक दुनिया में जी रहे हैं। विधायक साहब का हमारे समिति के तमाम कार्यकर्तागण स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय विधायक जी से अनुरोध, जब तक भगवान राम और रावण का यज्ञ का फिल्मांकन हो तब तक हम लोग ये हमारी जो वीआईपी गाड़ियां हैं, मैं चाहूंगा कार्यकर्ता इनको, मैं एक बार पुनः अनुरोध करूंगा कि अब हम आतिशबाजी बंद करा दें। एक बार आतिशबाजी रोक दें, ये स्वर्गर ध्यान दें, एक बार आतिशबाजी को रोक दें। विधायक मुकेश माकर का सम्मान किया जा रहा है। सचिव हमारे इस समिति के अध्यक्ष श्री ललित, विधायक मुकेश माकर का सम्मान किया गया है। मंत्रियों को उपाध्यक्ष स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। मैं हमारे माननीय विधायक महोदय, रावण युद्ध होने वाला है, रावण पहले पहुंचा है और अब भगवान राम लक्ष्मण और हनुमान जी महाराज पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं हनुमान जी महाराज जिन्होंने पहले लंका को जलाया था, उसके बाद में लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मारा था और भगवान राम ने रावण का वध किया था। और हम देख रहे हैं तीनों यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अभी यहाँ पर रियल में राम और रावण का युद्ध होने वाला है, उसके बाद में पुत्र को जलाया जाएगा। आप देख रहे हैं ऐसा लग रहा है साक्षात राम और लक्ष्मण यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बहुत सुंदर नजारा लाडू दशहरा मेला ग्राउंड से आप देख रहे हैं, जो कि करण बालाजी मंदिर के पास है। हजारों लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और कुछ ही देर के बाद में जिस घड़ी का आप इंतजार करें रावण के पुत्र का दहन होने का, उससे पहले राम रावण का युद्ध यहाँ पर देखने को मिलेगा। राम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज को आप देख रहे हैं। अनुरोध करूंगा, अतिथि का स्वागत हो रहा है, रामलीला जी पटेल का सम्मान हो रहा है, मैं उसके आमंत्रित करना चाहूंगा। सुनिधाधिकारी का सम्मान हो रहा है, हमारे यहाँ पर है हमारे पिताजी आर्य सम्मान कर रहे हैं, चेयरमैन साहिब का मंची मजिस्ट्रेट पहुंची का सम्मान हो रहा है। अभिनंदन और हम सम्मान चौधरी का सम्मान हो रहा है, सम्मान हो रहा है। ये हमारी राठौर और अनुराम जी केनाना का सम्मान हो रहा है, सम्मान करें हमारे अध्यक्ष प्रशासनिक अधिकारी के रूप में श्री तहसीलदार साहब आर पी के मीणा साहब भी बैठे हुए हैं, युद्ध का नजर आपको दिख रहा है। राम रावण युद्ध, क्योंकि आपकी सेवाएं भी प्रशासन में बहुत ही अच्छे रूप से हम सबको मिल रही है, हम आपका सम्मान करेंगे। अनुरोध करूंगा हमारे
भाई शहीद पिपुलवा, शहीद पिपुलवा पधारे और बालक नगर हमारे तहसीलदार साहब का अभिनंदन करें। श्री तहसीलदार जी का सम्मान किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय से अनुरोध, हमें तो ये प्रति माननीय अध्यक्ष को उत्कृष्ट रूप से मिल रही है, इसलिए लाडू का नजारा आप देख रहे हैं। विजयदशमी का त्योहार आज मनाया जा रहा है, इसमें मंच पर एक और अतिथियों का सम्मान हो रहा है, तो एक और राम और रावण का युद्ध भी हो रहा है, जिसके साथ में लक्ष्मण जी हनुमान जी महाराज भी हैं, और शानदार आतिशबाजी हो रही है। हमारे सुधा क्षेत्र का सबसे खूबसूरत नजारा दशहरे का पहली बार आप ऐसे सुधा चैनल पर देख रहे हैं, इसलिए हम चाह रहे हैं कि सम्मान उस व्यक्ति का सम्मान है जिसने सबसे पहले यहाँ पर दशहरा मेला का आयोजन किया गया 43 साल पहले। जो प्रशासन का सम्मान, क्या नजारा है, क्या नजारा है, सहयोग से बहुत सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं, और स्वर्गर भी ध्यान दें, बहुत खूबसूरत आतिशबाजी आप देख रहे हैं। कृपया सीआई साहब पधार रहे हैं क्या, गजब की आतिशबाजी आप देख रहे हैं। सीआई साहब अगर पधार रहे हैं तो एक अच्छा वाका सम्मान हो रहा है। सम्मान पर श्री जगदीश प्रकाश, श्री जगदीश जी पधारे, माननीय जगदीश जी समाज सेवी साहब से अभिनंदन करना चाह रहे हैं, आप मंच पर आए, जोरदार आतिशबाजी, जोरदार आतिशबाजी करना चाह रही है। लंका जल रही है, सोने की लंका जल रही है। हनुमान जी ने लंका को जला दिया, आप देख रहे हैं सोने की लंका जल रही है। सिपाही का सम्मान हो रहा है, आप लोग नगर पालिका अध्यक्ष सुनीता जी के ससुर जी हैं, जगदीश सिपाही कौन मेहमान आए, इनका सम्मान हो रहा है। आप लोगों को खूबसूरत आतिशबाजी की नजारे आप देख रहे हैं। ये उनका नाम है श्री रघुवीर सिंह जी राठौड़, अगर है तो आप पधारे। शानदार आतिशबाजी आप देख रहे हैं, खानपुर के हैं हमारे विशिष्ट अतिथि अर्दयाल जी चौधरी का सम्मान हो रहा है। भारी भीड़ आप देख सकते हैं लाडू में, हम अभिनंदन करेंगे श्री चौगाराम, सब उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जब पता चलेगा, आपका अभिनंदन करेंगे, उनका अभिनंदन करते सीआई साहब पधार चुके हैं, हमारे अध्यक्ष मंत्री और कोषाध्यक्ष आपका सम्मान करेंगे, हमारे युवा सीआई, भारी भीड़ आप देख रहे हैं, लाडू का दृश्य आप देख सकते हैं, व्यवस्था है, बेहद सुंदर नजर आप देख रहे हैं, शानदार आतिशबाजी का सभी अवलोकन कर रहे हैं। समिति अभिनंदन कर रही है, मैं चाहूंगा कि हमारे अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष तीनों बने रहे और हमारे बहुत भीड़ आप देख रहे हैं, आप लोग सम्मान करें, जिन मानुभावों का नामोल्लेख किया है, ये आप देख रहे हैं। मैंने राम साहब का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पधारे, आपने हमारी समिति का सम्मान तीर चला रहे हैं। एक बार मैं चाहूंगा कि आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद साहब, और मैं मंच पर जिन जिन को आमंत्रित कर रहा हूँ उनका माला फैला कर मोमेंटो भेंट कर सम्मान करें। हमारे बीच में बात बन रही यार, मेरे समझ में नहीं यार, आप जब बार बार आप लोग पब्लिक को ये कार्यक्रम देखने दें और थोड़ा सा आगे पधारे, मोमेंटो भेंट करने के लिए मेरा अनुरोध हमारे अध्यक्ष महोदय से, हमारे कार्यकर्ताओं से भी हमारा विनम्र अनुरोध कि कृपया आप किसी भी रूप की बाधा जरूर बाधा न बने, क्योंकि ये कार्यक्रम पब्लिक का है, व्यक्तियों का सम्मान हो रहा है। नौपाराम जी सुनो, तिलक लगवा दे दो, बहुत सुंदर आतिशबाजी हो रही है सर, एक एक चीज दे दो, हमारा ये अतिथान भी करें, जोरदार आतिशबाजी आप देख रहे हैं, लेकिन लोगों को इंतजार है, पुतले के दहन का देख रहे हैं, रावण का पुतला भी बिखरा है और सब इंतजार करें कि जल्दी से जल्दी रावण के पुतले का दहन हो, राम रावण का युद्ध आप देख रहे हैं, अतिथियों का सम्मान हो रहा है, भव्य आतिशबाजी हो रही है, अब कुछ ही मिनट का वक्त बाकी है जो आप देखना चाहते हैं, रावण के पुतले का दहन, उससे पहले लंका का प्रवेश द्वार है उसका दहन किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तमाम जो महानुभाव, हमारे संदीप जी, भाई जयतमाल जी और हमारे रामानंद जी भी हमारे सम्मान की इस परंपरा में है, जिनका सम्मान हम करेंगे वो अंजाम दें, ये सम्मान हमारे अतिथियों का निश्चित रूप से, आज हमारा बड़ा भव्य मंच बना हुआ है जहाँ पर हमारे माननीय विधायक महोदय यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री पटेल साहब बैठे हुए हैं, माननीय एसडीएम साहब यहाँ पर हैं, माननीय दयाधीश महोदय हैं, हमारे नगर पालिका चेयरमैन यहाँ पर हैं, हमारे संस्थापक आदरणीय मिश्रीलाल जी भाटी है, भागचंद जी बगड़िया है, डॉक्टर घनश्याम नाथ जी कचावा है, सुनो मतलब सुंदर भव्य आतिशबाजी और रमजान जी मंच पर पधारे, और ये नजारा बड़ा ही सुंदर भव्य नजारा, सोने की लंका दहन हो रही है,
सोने जले का जलेगे इधर में इसका इंतजार हो रहा है, फिर उनके पता चलेगा। श्रीराम मंगलम हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के डॉक्टर इस नजारे के लिए हम आपसे लंका जलाने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं हनुमान जी जा रहे हैं लंका जलाएंगे। हनुमान जी पहुंच गए लंका जलाने के लिए। आप देखिए हनुमान जी लंका जलाने आ गए हैं। हमारे पत्रकार से आप भी जला के संपादक हैं और लखनऊ की पहली महिला पत्रकार है। राम लगता है कि ये हमारे लिए आपको दिखा रहे हैं। नगर में संपादक के रूप में एक महिला भी काम कर रही है, श्री जगदीश जी यादवर। लंका जल रही आप देख रहे हैं, हनुमान जी ने लंका को जला दिया है। लंका जलती हुई आप देख रहे हैं, आतिशबाजी को धीमा कर दे। लंका जल रही आप देख रहे हैं, राज्य का सम्मान एक नन्हे से बच्चे ने हमारी समिति के ओर से किया। लंका दहन आप देख रहे हैं हनुमान जी ने किया है। दैनिक भास्कर के अगर वो नहीं है तो भाई निर्मल अगर यहाँ पर है। हनुमान जी ने लंका दहन किया है, खुशी मना रहे हैं हनुमान जी। मैं चाहूंगा कि हमारे पदाधिकारी थोड़े आगे आ जाए ताकि पब्लिक को पता लगे कि हम किसका सम्मान कर रहे हैं। ये हमारे पत्रकारों का सम्मान हो रहा है और हमारे नगर के युवा पत्रकार भाई करों का सम्मान किया जा रहा है। अनूप जी तिवारी का सम्मान पत्रकार के रूप में मंच पर कराएं, आपका सम्मान करेंगे। और भाई अर्षद जी जो टीवी 100 के कॉरेस्पॉन्डेंट है उनका भी से है। अगर यहाँ पर ऊपर से आप लोग देख रहे होंगे सोने की लंका का सम्मान हो रहा है। और हमारे बीच यूट्यूब पर चैनल संचालित मीडिया के सहयोग का इस देश के लोकतंत्र में बहुत बड़ा संचालित करते हैं। गिरधारी लाल जी चौधरी साहब जो हमारे सभी मीडिया कर्मियों का बहुत 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 बड़ा सक्रिय है। लंका भी जल रही है। आप तत्काल दौर के मंच की तरफ आए और श्री मंतोदन जी लंका दहन हो रहा है। बीबी ये इनके लिए सोल मोमेंट लंका दहन के नजारे हैं। ये करेंगे हमारे संवाददाता बुर्जी को आप देख रहे हैं जो पूरा केबल का कार्य देख रहे हैं। अब नाभी कुंड में बाण मारा जाएगा, अभी भी युद्ध चल रहा है, लंबा चला था, आप सबको पता है राम रावण युद्ध। सम्मान हमारे सहयोगियों का, हमारे अपनों का, हमारे अतिथियों का। मैं कुछ ही देर में भगवान रावण का वध करेंगे। फिलहाल युद्ध लगातार चल रहा है काफी देर से और अब रावण की तरफ बढ़ रहे हैं भगवान। श्री रघुवीर जी राठौर हमारे राठौर को सम्मानित करने में संस्था के सक्रिय सदस्य वीरेंद्र भाटी मंगल का सम्मान हो रहा है। वीरेंद्र भाटी का सम्मान हो रहा है। बड़ी सुंदर व्यवस्था हो रही है। राम रावण का युद्ध लगभग समाप्ति की ओर है और रावण अब अपना एहसास कर रहा है। अंतिम समय रावण का चल रहा है और भारी भीड़ आप देख रहे हैं। रावण थोड़ी देर में युद्ध आखिरी चरण में चल रहा है, रावण का वध होने वाला है और निश्चित रूप से जब संदेश ग्रहण करेंगे और पुतला का दहन हो उससे पहले हमारे मंत्री सुशील जी पिपलवा जो बरसों से समिति के मंत्री हैं और बड़ी सजगता के साथ में इस मेला समिति को आप हनुमान जी भी हमले कर रहे हैं। देखते हैं भगवान कब नाभी कुंड में बाण मारते हैं क्योंकि लंबा चला था राम रावण युद्ध और यहाँ भी चल रहा है। राम रावण युद्ध इस समय चल रहा है और आपको पता है राम और रावण का युद्ध लंबा चला था। आखिरकार भगवान को बताया गया इसकी नाभी कुंड में अमृत है, नाभी कुंड में बाण मारने से रावण मरेगा। और अब आप देखेंगे कुछ ही देर के बाद में भगवान राम वो ब्रह्मास्त्र चलाएंगे, वो बाण चलाएंगे जो रावण की नाभी में लगेगा और रावण मरेगा। और अब फिलहाल आप देख रहे हैं युद्ध चल रहा है, राम लक्ष्मण हनुमान जी तीनों हमले कर रहे हैं रावण पर और रावण तीनों से लड़ रहा है। लेकिन अब आखिरी समय आ चुका है, बुराई खत्म होने वाली है, अच्छाई की जीत होने वाली है, रावण का पुतला जलने वाला है। जोरदार आतिशबाजी है। नगर पालिका मंडल लाडनो की अध्यक्षता ये जिनके सहयोगी सहयोग चिकित्सकों द्वारा ये टीम यहाँ सजाव किसी भी हादसे से निपटने के लिए तैयार रहती है। आप देख रहे हैं रावण के नाभी उनमें बाण मारा गया है और हनुमान जी खुशियाँ मना रहे हैं। मन संकलन ने हमारी मदद की, हमारे सभी के प्रति हार्दिक आभार। देखिए हनुमान जी खुशियाँ मना रहे हैं, रावण मर गया है और अब इसको जलाया जाएगा। नाभी कुंड में बाण मारा गया है और रावण मर गया है, इसको जलाया जाएगा। जय हिंद जय भारत। और मर रहा है ये या मरने जा रहा है थोड़ी देर में, जोरदार आतिशबाजी भी आखिरी केवल प्रतीक है, इसे हमें सपना है। इस घड़ी का आप इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ चुकी है, रावण दहन हो रहा है।
इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। रावण दहन होने वाला है। सभी आप देख रहे हैं टकटकी लगाकर अब पुतले की तरफ देख रहे हैं। सरपंच अशोटा वालों की तरफ से ये रावण दहन हो रहा है। बुराई चल रही आप देख रहे हैं। और ये पुतला दहन हो रहा है। रावण बहुत आसानी से नहीं मरा था और यही ये यहाँ भी देखने को मिल रहा है। देख रहे हैं बुराई धू धू करके जल रही है। अच्छाई की जीत सच्चाई की जीत। और यह देख रहे हैं नीचे गिर गया है पुतला जलकर। तिलक हो रहा है। विधायक मुकेश भाकर अब तिलक करेंगे। रावण का वध करके के अयोध्या लौटे थे तो उनका राज तिलक हुआ था। अब ये राज तिलक का नजर आप देख रहे हैं। आरती की जा रही है। राज तिलक का नजर आप देख रहे हैं। लंका में रावण को मारकर भगवान अयोध्या लौटे उनका राज तिलक किया गया था और खुशियां मनाई गई थी। और अब राज तिलक का नजर आप देख रहे हैं। मुख्य अतिथि मुकेश भाकर आरती कर रहे हैं। दरबार आप देख रहे हैं। मंच पर भगवान विराजमान हो गए हैं राज तिलक के लिए। राम सीता और लक्ष्मण जी और चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। ये था लाडनू से हमारा खास कार्यक्रम। लाडनू करण बाला जी मंदिर के सामने दशहरा मैदान में आज लगातार 40 वर्षों से दशहरा मेला समिति द्वारा जो राम दहन का कार्यक्रम हो रहा है वो आज यहाँ पर आयोजित किया गया। आपने देखा राम रावण का युद्ध हुआ, जोरदार आतिशबाजी हुई, तमाम अतिथियों का सम्मान किया गया और रावण दहन के बाद में भगवान का राज तिलक किया गया मुख्य अतिथि विधायक मुकेश भाकर के द्वारा। और अब यहाँ पर आरती की जा रही है। मैं ये निवेदन करूंगा आज विजयादशमी है, आज अच्छाई की जीत और बुराई की पराजय का दिन है। हम ये अपने अंदर जो बुराई है राउंड रूपी उनको चलाएं। हमारे घर अंदर अहंकार है, घमंड है। अगर हम किसी का बुरा चाहते हैं, किसी पर बुरी नजर रखते हैं, उन सबको छोड़ दें और अपने अंदर की राउंड रूपी बुराई को खत्म करें, तब दशहरे का त्यौहार सार्थक हो सकता है। सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे में शिवपांच तिवारी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।